अमेरिका में लॉ जर्नल की एक सौ साल तारीख में पहली बार एक मुस्लिम प्रेसिडेंट चुना गया न्यूज एजेंसी रिपोर्टर के मुताबिक एक मिस्री अमरीकी हसान शाहवी को हार्वर्ड लॉ रिव्यू जर्नल का प्रेसिडेंट चुना गया है अमेरिका के सबक सदर बराक ओबामा भी उन्नीस में इस जर्नल के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं इस जर्नल की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसमें अमेरिका के कई अहम अमरीकाल और लीगल पर्सनलिटीज ने इस जर्नल के लिए काम किया है और ये जर्नल अमरीकी अदालतों में होने वाली भर्तियों की जायजा लेती है इस जर्नल के चुने गए नए प्रेसिडेंट हसान शाहवी अपनी पढ़ाई हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की है और प्रेसिडेंट चुने जाने पर अपनी राय देते हुए कहा कि समाज में मुसलमानों के लेकर अच्छी राय नहीं रखी जाती यही वजह है कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के इसी मनफी सोच को तब्दील करना है उन्होंने आगे कहा कि उनका लॉ डिपार्टमेंट में चुना जाना उनके अंदर लॉ स्टडीज में इंटरेस्ट पैदा करेगा और कानून के दूसरे पहलुओं को समझने में आसानी पैदा करेगा ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें